फतलान सर में जो गैर जरूरी चालाना किए जा रहे हैं मोहतरम अली जनाब जाफर हुसैन मेहरा साहब की हिदायत पर और जनाब सरफराज इंजीनियर साहब कॉर्पोरेटर तमाम सुदूर मोहतुद्दीन के साथ यहाँ पर एडी से मीटिंग करे हैं। यहाँ पर एक धरने की शक्ल में हम लोग यहाँ से इत्तेजाज किए हैं और उनको ये बताया कि गैर ज़रूरी यहाँ पे चालान किए जा रहे हैं और इनको टारगेट दिया गया कि आज का दिन है, इनको 100 चालाना चाहिए। तो ये पूरे आकर पूरे अहमदनगर में चालाना किए जा रहे हैं और जब हम मेंटेनेंस के लिए पूछा जा रहा है तो ये मेंटेनेंस ज़ीरो बता रहे हैं। ये यहाँ पर जो बजट लगना है ये साल ज़ीरो बजट लगा है। हम लोग ये कह रहे हैं कि इनको पोल की तब्दीली की जाए, निकाल के दूसरा लगाया जाए। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि करेंगे, मगर बिल्कुल यहाँ पे कोताही हो रही है। कोई काम में यहाँ पे मेंटेनेंस ज़ीरो 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 हो रहा है। और यही नहीं, यहाँ पर ये जो मीटर रीडर्स आ रहे हैं ये लोग बिला वजह के घरों में पैसे लेकर बोल रहे हैं कि हम लोग पैसे भरेंगे, आकर यहाँ पर पैसे नहीं भर रहे हैं। यहाँ पर जो भी पैसे लिए जा रहे हैं डिपार्टमेंट की जानिब से ये गलत है और हमने एडी साहब को भी बताया है, एडी साहब ने तहखुन दिलाया कि ये आइंदा नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला अगर इसी तरीके से ये लोग कोताही करते रहेंगे, मेंटेनेंस बराबर नहीं करेंगे और लाइट्स का ही तो ये हाल है कि दो दो घंटे तक यहाँ पे इमरजेंसी में कोई नहीं मिल रहा। रात के वक्त अगर आ रहे हैं हमारे सदर मोहतीन और सरफराज साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ पे, तो कोई भी यहाँ पे मेंटेनेंस में नहीं मिल रहा। मेंटेनेंस यहाँ पे ज़ीरो कर रहे हैं लोग और उसके ऊपर से बिला वजह के ये चालाना दे दे रहे। मैं एडी साहब से और डीई साहब से करूँगा कि ये जितने भी इनके सबॉर्डिनेट हैं इनको कंट्रोल करिए। इलों में बिल्कुल कंट्रोल नहीं है एडी साहब और हाई ऑफिशल्स का, ये कंट्रोल करना है। गैर ज़रूरी जो पैसे वसूल कर रहे हैं घरों पे जाके, इसको बंद करिए और इन लोग को मेंटेनेंस पे ध्यान देना चाहिए और मेंटेनेंस में बिल्कुल यहाँ पे काम होना चाहिए जो कि काम नहीं हो रहा। मैं सरफराज साहब से भी बोलूंगा कि मैं चालाना कितने कर रहे हैं साहब, ये जो भी फसलान सर एरिया है चालाना काफ़ी कर रहे हैं, बेशुमार कर रहे हैं। कितने दिन से कंटिन्यू कर जा रहे हैं? चालाना करने की वजह ये है के बिला वजह अगर कोई एविडेंस है, टेक्निकल एविडेंस है, अगर ये डिजिटल मीटर्स है, इनको अगर लेके जाके मेन कंपाउंड में इसको इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो घर वाला रेसिडेंट होना चाहिए जो के जिसके घर में से ले गए, वो नहीं रह रहा, ना ही एविडेंस का प्रूफ दे रहे। बिला वजह के 1,90,000 चालान कर दे रहे, किसी का घर बन रहा 3,22,000 चालान कर दे रहे, किसी के घर में जा रहे। अगर एसी है तो नहीं, इतना मीटर आना चाहिए आपको। अरे भाई कंट्रोल करता, गरीब आदमी है, कंट्रोल करके अपने हिसाब से Ya sé que no van a venir, 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 ya s
बड़ा पूछा तो हेलो कृष्ण आई वो लास्ट के एरो भाई जिंदगी वालों भाई सुपर सेल समी मा भाई
ऑप्शन मेंबर जनाब महमूद हुसैन इंजीनियर साहब ने आपको बड़ी तफसील से बताया, ये चालानात के नाम पे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का एक जुल्म है, खासकर गरीब गुरबा पे ये जो जुल्म कर रहे हैं, इसके एहतजाज के लिए आज यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सुदूर मोतमदीन और ज़िम्मेदारों की तरफ से हमारे मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली जनाब जाफर हुसैन मेरा साहब की हिदायत पर यहाँ पर आए और अहदेदारों से बात करें, खासकर एडी साहब को बताएं कि आप चालानात के नाम पर आवाम पे जुल्म नहीं कर सकते। अरे जब आप इतनी अच्छी क्वालिटी वर्क, खाली ये चालानात पे बता रहे हैं, कई पेंडिंग काम हैं जो बरसों से महीनों से आठ आठ नौ नौ महीनों से हम लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं, वहाँ पर भी अगर इस तरीके से आप क्वालिटी बताए, अपने काम की अपना परफॉर्मेंस बताए तो बहुत अच्छा रहता। अरे आप किसको बदनाम करना चाह रहे हैं? क्या हुकूमत को बदनाम करना चाह रहे हैं या हमारी आवामी कारकर्दगी को बदनाम करना चाह रहे हैं? अरे आज कोविड के नाम पर गरीब खाना के लिए परेशान है, आप 20-20 हज़ार 40-40 हज़ार 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख हद तो हो गई कि 3-3 लाख के चालाना। अरे अगर कोई आदमी गलती कर रहा, अगर जाने अनजाने में उससे कुछ भूल हो रही, तो अगर डिपार्टमेंट का काम है, अगर आपको डर बिठाना चाह रहे तो एक हद है उसकी भी। जैसा अभी हमारे महमूद इंजीनियर साहब बताए कि आप टेक्निकली एविडेंस बताते हुए एक चालन थोड़ा चालन डाल सकते ताकि वो फिर से वो गलती दोहराने, मगर यहाँ तो मनमानी है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी खासकर गुरबा पर होने वाले जुल्म को हरगिज बर्दाश्त नहीं करते। हमारे पार्टी के सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ख़ास इंस्ट्रक्शन है हमारे, अगर कहीं पर जुल्म हो रहा तो उस जुल्म के खिलाफ डट कर मुकाबिला करना हमारा काम है। आज आखिरी मरतबा फाइनली हम डिपार्टमेंट वालों को वार्निंग दिए, अगर आप इस तरीके से जुल्म और सितम को अगर नहीं कम करेंगे तो फिर आप काम करना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। मैं एडी साहब को डीई साहब को वार्निंग दे रहा हूँ अच्छे अल्फाज में, आप अपने हदूद में रहते हुए काम करिए, हमको भी हमारे हदूद में हम काम करेंगे। आखिर में मैं फिर एक मरतबा अहमदनगर की आवाम से भी दिल की गहराइयों से अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी सही तरीके से करंट का इस्तेमाल करिए, कोई ऐसा काम ना करो जो आप परेशान हो और पूरा एरिया बदनामगी हो, तो मैं जिससे आप भी परेशान हो सके।